गुड आफ्टरनून एवरीवन, वंस अगेन दिस इज मी ममता सचदेवा विद ऑल ऑफ यू। और आज मैं फिर आपको यूएई के ट्रिप के ऊपर लेके जा रही हूँ। सरप्राइज है, जब तक वहाँ नहीं पहुँचती आपको बताऊंगी नहीं। ऑन द वे कुछ अच्छा नजर आएगा तो डेफिनेटली दिखाऊंगी। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ टू सी एन एक्सप्लोर यूएई। आप गेस कर पा रहे होंगे कि मैं आपको कहाँ लेके जा रही हूँ। अभी मैं पार्किंग ढूंढ रही हूँ, इसलिए मुझे फोन अपना बंद करना पड़ेगा। एंड आई एम गोइंग टू शो यू शेख जायद मॉस्क टुडे इन अबू धाबी। सो ये है शेख जायद ग्रैंड मॉस्क अबू धाबी की, जो आज मैं आपको दिखाने के लिए आई हूँ। आई थिंक पार्किंग पीछे रह गई है। So finally guys, as you can see behind me, Sheikh Zayed Mosque के आगे पहुंच गई हूँ मैं। गाड़ी मैंने पार्किंग में लगा दी है। My son is with me today. And UAE की सबसे अच्छी चीज़ है ये, मुझे बहुत प्यारी लगती है ये मॉस्क। अपने आप में बहुत ही स्पेशल है। लेकिन अभी तो लकीली धूप कम है, क्योंकि गर्मी होती है जब 55-50 डिग्रीज होता है तो हालत खराब हो जाती है यहाँ पे। फिर भी मैंने कोशिश की आज के कपड़े कुछ ऐसे सूदिंग हो जिससे ज़्यादा गर्मी ना लगे। और बहुत सारे टूरिस्ट भी मुझे आसपास में नज़र आ रहे हैं। आई एम श्योर यू गाइस कैन सी, बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं ऑलरेडी। तो चलिए मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ जब पहुँचती हूँ तो आपको आराम से दिखाती हूँ, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे बैरिगेट्स लगे हुए हैं तो मुझे रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ से एंट्री है। सोचा चलते चलते आपको ये एंट्रेंस दिखा दूँ। ये मॉस्क के बाहर की एंट्रेंस है, मेल के लिए उनकी चेकिंग होती है और साथ ही में फीमेल्स की भी है। और अगर आपने जैसे अबाया वगैरह नहीं पहना होता है तो ऑफकोर्स यहाँ से अबाया आपको प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर जाके। मॉस्क के अंदर आते ही सिक्योरिटी चेक के बाद आपको ऐसा एक अबाया मिलता है। बेसिकली ओरिजिनली ब्लैक कलर का होता है, बट अभी इन्होंने कलर्स चेंज कर दिए हैं। सो ये मुझे अबाया मिला है, विच इज़ बेसिकली कवरिंग योर सेल्फ प्रॉपरली। फुल स्लीव्स होता है और सिर भी आपका कवर होना चाहिए। तो ये मैंडेटरी है पहनना, तो मैंने ये ले लिया है। और जिस जगह से लिया है ये वहीं पे आके वापस करना है आगे। तो सिक्योरिटी चेक और अबाया, ये पीछे जो टेंट सा लगा हुआ है इसके अंदर से करके ये ड्रेस पहन के अभी मैं मॉस्क की तरफ जा रही हूँ। सो मॉस्क जो है बिल्कुल पीछे है मेरे, लेकिन इसकी एंट्रेंस जो है वो अदर एंड से है, तो क्वाइट अ लॉन्ग वॉक। तो अगर आप कभी भी यहाँ पे आएँ तो मेक श्योर कि यू हैव कम्फर्टेबल शूज़। कुछ भी फ्लैट पहना हो तो बेटर है, क्योंकि चलना ऑफकोर्स बहुत पड़ता है किसी भी आप टूरिस्टिक जगह पे अगर जाते हो तो नेचुरली चलना आपको बहुत ही पड़ेगा यहाँ पे। सो थोड़ी धूप भी है, लेकिन अभी क्योंकि मौसम बदल चुका है तो इतना फील नहीं हो रहा, पर ठीक ठाक गर्मी है अभी भी। सो मे बी अनदर लाइक कपल ऑफ मिनट्स वॉक एंड विल बी देयर। सो तब तक आपको आसपास का मैं दिखा देती हूँ। सो मॉस्क के एक तरफ से इस तरह से दिख रहा है एंड वी एक्चुअली हैव टू गो टू द अदर साइड। और सब लोग देखिए चल रहे हैं। ये अभी हम चलते चलते मॉस्क की तरफ पहुंच रहे हैं। बहुत ही प्यारी बनी हुई है मॉस्क, और थर्ड लार्जेस्ट और बिगेस्ट मॉस्क है ये दुनिया की। चलते चलते सोचा कि आपको दिखाती चलूं। ये एंट्रेंस जो है वो आने वाली है अभी। ये एक एंट्रेंस है यहाँ से, देखिए क्या ब्यूटी है, क्या प्यारी मॉस्क है। और कितने टूरिस्ट हैं यहाँ पे जो घूमने आए हैं।
सो अभी तक तो हम बाहर से ही मॉस्क को देख रहे थे, अभी अंदर जाने का टाइम आ गया है और अंदर जाने के लिए पहले आपको शूज रिमूव करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे रैक्स पड़े हुए हैं, कोई नंबर्स नहीं मिलते, कुछ भी नहीं है, तो आपने सिंपली अंदर जाना है, उन रैक्स के ऊपर अपने शूज रखने हैं और उसके बाद आप अंदर मॉस्क के अंदर जा सकते हैं। सो आई हैव रिमूव माई शूज एंड शूज रैक में मैंने रख दिए हैं एंड आई पिक्ड अप माई बैग और अभी हम अंदर जाएंगे। कम बेटा। सो वी आर गोइंग टू एंटर द मॉस्क। मॉस्क में कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बस आपका हेड और you know, आपकी बॉडी अगर आप विमेन हैं तो कवर होनी चाहिए और अगर यहाँ पे प्रेयर जैसे फ्राइडेज़ को प्रेयर होती है तो डेफिनेटली वो इनकरेज नहीं करते उन डेज़ के ऊपर बाहर विजिटर्स को आना, तो कोशिश उनकी यही रहती है कि प्रेयर डेज़ के ऊपर वो विजिटर्स को मना कर देते हैं। तो आई थिंक उनकी वेबसाइट के ऊपर भी सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना प्यारा लग रहा है एंट्रेंस देखें। तो यहाँ से अब हम अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ से वॉक करके सीधा जाके फिर उसके बाद राइट जाएंगे एंड देन देर इज़ अ हॉल जहाँ पे हमने बेसिकली मॉस्क के क्या कह सकते हैं देखना है, एक्सपीरियंस करना है। और यहाँ लिखा हुआ है कि नो शूज़ अलाउड बियॉन्ड दिस पॉइंट, और मैं थोड़ा सा इसलिए घबरा के और डिस्क्रीटली बोल रही हूँ क्योंकि यूएई में किसी को भी अपनी वीडियो में लेना या किसी की विदाउट परमिशन किसी की वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम किसी और को वीडियो में कवर ना करें, सिर्फ फोकस जो है वो मेरे पे ही रहे। तो लेट मी जस्ट शो यू यहाँ सेंटर से मॉस्क कैसी दिखती है, देखिए। ये जो है मॉस्क का मेन, जो ये मेन मॉस्क है यही मेरे पीछे बिल्कुल है और इसके आगे जाना अलाउड नहीं है। सिर्फ जिस एरिया पे मैं खड़ी हूँ सिर्फ इसी सर्कल तक ही आप आ सकते हैं, इसके आगे जाना अलाउड नहीं है। इसके अंदर जाने के लिए हमें दूसरी तरफ से जाना पड़ेगा। सो नाउ वी गोना हेड टुवर्ड्स दैट साइड। कम ऑन। साथ साथ में आप चलते हुए देखते चलिए। एक साइड में पानी जो हमने बाहर से देखा था, बहुत ही प्यारा व्यू है, और एक तरफ हमारी मॉस्क है, देखिए। कितनी दुनिया यहाँ पे आई है कहाँ कहाँ से चलकर। बहुत ही प्यारी क्या कहूँ आपको मैं, इतना प्यारा काम हुआ हुआ है, कसम से दिल लग जाता है ऐसी जगह पे आके। हर धर्म हर मज़हब हर अपने आप में खासियत है उनकी, और हर चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। ह्यूमैनिटी जो है वो दुनिया में हर चीज़ से ऊपर है, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन। इसीलिए मैं हर जगह जाती हूँ, चर्च भी जाती हूँ, मस्जिद में भी जाती हूँ, हर जगह जहाँ मेरे दिल को खुशी मिलती है मैं वहाँ जाना पसंद करती हूँ। अभी दिन ढल रहा है, so you will see the glow on my face coming and going, और साथ में आप आसपास जो भी ब्यूटी है उसको देखते चलिए मेरे साथ साथ में, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप एक मिनट भी किसी चीज़ को मिस करें। जो मैं देख पा रही हूँ वो आपको भी देखना चाहिए। ये बिल्कुल साइड में यहाँ पानी ही पानी है, देखिए आप क्या प्यारी इन्होंने डेकोरेशन आसपास कर रखी है, क्या प्यारी जगह है, मैं आपको क्या बताऊँ, वर्थ हो गया आज मेरा घर से निकल के आना। तो अभी मैं मॉस्क की तरफ चल रही हूँ। साथ में मॉस्क जो है सेंटर में आपको दिख भी रही होगी।
इस तरफ से भी आपको मॉस्क दिखाती हूँ। मैंने आपको सीधे उस तरफ से भी दिखाई है, मैं आपको इस तरफ से भी मॉस्क दिखाती हूँ कैसी लग रही है। तो ये आपको मैंने कंप्लीट व्यू दिया है अभी। कमाहान, तो हमने अभी सीधा जाना है, क्वाइट अ फ्यू मिनट्स वॉक। आपको ऑलरेडी एरिया मैंने दिखा दिया है, सो विल मीट इनसाइड। अभी मैं आपको लेके जाने वाली हूँ जो मेन मॉस्क है उसके अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं, यहाँ से हमने सीधा अंदर की तरफ चल के जाना है। यहाँ जो कारीगरी हुई है, इतने साल लगे हैं उसको होने में, और कितने कारीगरों ने उसके ऊपर क्या बारीकी से काम किया है, आप भी देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। नक्काशी देखिए आप जो दीवारों के ऊपर, शीशों के ऊपर की गई है, इट्स ऑसम। ये देखिए क्या काम दीवारों के ऊपर किया गया है, पत्थरों से क्या कारीगरी नक्काशी की गई है, एक एक चीज जैसे मुंह से बोल पड़ेगी। और इसके अंदर का जो कारपेट है वो ईरानी पता नहीं कितने हजार लोगों ने हाथों से बुना है। ये गुंबद बहुत प्यारे यहाँ पे लगे हुए हैं। पहले जहाँ तक मुझे याद है कि अंदर जाना भी अलाउड था, लेकिन आई थिंक ये अभी रीसेंट चेंज है कि अंदर जाने नहीं देते हैं, सिर्फ यहाँ पे रोप बांधी हुई है। सो फिलहाल तक इतना ही कवर कर सकते हैं, पर जितना देखा दिल खुश हो गया। आपको क्या मैं बताऊँ, बहुत ही एक अच्छी फील और प्यारी फील आती है यहाँ पे आके। इतना प्यारा काम हुआ हुआ है मॉस्क में, और कारपेट आप देखिए, ये बिना जुड़ा हुआ मतलब लगातार बना हुआ कारपेट है। मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे उसको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन इसको बड़ी मेहनत से और बड़ी शिद्दत से बनाया गया है इस कारपेट को। और ये यहाँ की खासियत है, सबसे बड़ी नंबर 3 पे है ये मॉस्क पूरी दुनिया में, और कारपेट इसका सबसे बड़ा है। और डेफिनेटली नक्काशी जो हुई हुई है कमाल की है। मैंने इसके अलावा अभी इसके मुकाबले की कोई और मॉस्क देखी नहीं है, तो मैं कंपेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे लिए तो यही जन्नत है। So have a look here, the biggest tree on the one line, the biggest tree assembly is on the one line, beautiful. You know that this is the, nobody knows about the budget of the mosque. Nobody knows the secret here. So
ये थी अंदर से मॉस्क जो मेरा मन था कि मैं आपको दिखाऊँ. एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव एंजॉयड इट, आपको अच्छा लगा होगा. और जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं एटलीस्ट उनको भी देखने को मिल गई मॉस्क. एंड बहुत सारे लोग आज खुश होने वाले हैं आई एम श्योर. कम ऑन. और यहाँ पे भी जाते हुए भी जो नक्काशी है यहाँ पे की भी अमेजिंग है. तो बस बाहर निकल रही हूँ अभी मैं, थोड़ा दिन भी ढल रहा है. अच्छा किया इसी टाइम पे आई थी, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा यू नो ठंडा भी नहीं था. सो एक परफेक्ट यू नो एक विजिट हो गई. बहुत मज़ा आया अंदर, आराम से देखा, बिल्कुल चल फिर के. और ज़्यादा रश नहीं था आज कंपैरेटिवली अदर डेज़ की. कई बार तो बहुत ही ज़्यादा रश होता है, लेकिन फिर भी आपको मैं दिखा देती हूँ कि नहीं रश का मतलब मैं क्या बता रही हूँ. देखिए कितने सारे लोग अभी भी मेरे पीछे हैं जो अभी देख के निकल रहे हैं. दिन अभी ढल गया है, मैं आपको बाहर का भी व्यू देती हूँ थोड़ा सा. यहाँ से देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है. बहुत सारे कमरा हो फ्रेंड्स, देखिए पानी है बिल्कुल सब तरफ. जो मॉस्क है उसके आसपास ऐसे पानी है और गुंबद बने हुए हैं जो कि बहुत ही प्यारी व्यू देते हैं इसको. यू नो आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. सो चलिए अभी निकलने का टाइम है यहाँ से. गो आउट. आई होप कि आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा और अच्छा लगा होगा जितना मुझे अच्छा लगा है. मुझे तो आज एक यू नो घर के बिल्कुल 10 मिनट पे है शेख जायद मॉस्क. और मैं इतने टाइम से सोच रही थी कि मुझे आना है आना है आना है. चलो फाइनली आज मैं आ गई, मैंने देख लिया, आप लोगों को भी दिखा दिया. तो आज एक टिक इन द बॉक्स हो गई. तो उसके बाद देखते हैं यूएई में और क्या है एक्सप्लोर करने वाला. सो एनीवे चैनल के साथ बने रहिए. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए. और जो भी आपकी रिक्वेस्ट हो यूएई के बारे में देखने के लिए, कुछ भी हो, पुट इट इन द कमेंट्स. जो भी आपके सजेशंस हो, जो भी आपके व्यूज़ हो, कुछ भी आपको लगता है कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, राइट दैट इन द कमेंट बॉक्स. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. और उसके अलावा अगर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं तो शेयर कर दीजिए. सो टेक केयर गाइस, बाय फॉर नाउ. चलते चलते क्योंकि रात हो गई है तो थोड़ी थोड़ी लाइटिंग भी होनी शुरू हो गई है पीछे. तो सोचा कि चलिए आपको थोड़ा लाइटिंग का व्यू भी देते चलें. देखिए अब जैसे जैसे लाइटिंग होगी वैसे वैसे जगह और ज़्यादा शानदार और खूबसूरत लगनी शुरू हो जाएगी. और इतने सारे लोग यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए हैं दूर दूर से इतने पैसे खर्च करके. और यहाँ घर के पास 10 मिनट की दूरी पे ये मॉस्क है. और शर्म आनी चाहिए हम जैसों को जो नहीं आ पाते हैं. तो चलिए आज आपके ज़रिए सही मैं भी यहाँ आ पाई, घूम पाई, देख पाई. और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे. तो चलिए अभी फाइनल बाय है हमारी तरफ से और मिलते हैं फिर कभी. टेक केयर फॉर नाउ, बाय. ये जो अबाया लिया था वो वापस कर दिया है और अभी हम बाहर की तरफ जा रहे हैं.